मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया लड़ाएंगे
दर्शन मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया।
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है Ta-da!
सब मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। शंकर तड़वाल हूँ। जो रोजगार गारंटी भारत सरकार ने बनाई 2005 में, उसमें 204 रुपये वर्तमान में मजदूरी है। उस मजदूरी से जो खाने का पीने का कपड़ा लत्ता शिक्षा के लिए जो सामान खरीदना पड़ता है, उसमें जीएसटी इतना ज्यादा है कि जिससे 204 रुपये में से उस मजदूर के लिए कुछ नहीं बचता है। 800 रुपया मजदूरों को मजदूरी दी जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान करें, ऐसा हमने राहुल जी को बताया अभी जब हम मिले थे। जो आदिवासी शब्द पर आपने आदिवासी शब्द को स्वीकार किया, आप लोगों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये उसको कहा तो वो बहुत खुश है। हर नागरिक को बराबरी से जीने का अधिकार है, क्योंकि विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बात होना चाहिए। जो जातीय धर्म के आधार पर बहस करके देश का समय खराब किया जा रहा है, बहुत जरूरी था कि ये यात्रा निकली। बहुत फायदे की रहेगी, अच्छा रहेगा, देश में वातावरण अच्छा बनेगा, यही हमारा सोचना है इस बार। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ, IIT में पढ़ाता था। पिछले 32 साल से सांप्रदायिकता के सवाल पे काम करता हूँ। मेरा नाम हर्ष मंदर है, मैं समाज में काम करता हूँ। हमारा देश आज एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पिछले 8 सालों में हम देखते हैं कि ये स्थिति आई है कि लगभग संविधान रहा ही नहीं। आज ये सवाल है कि हम किस तरह का देश अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे। बहुत अरसे बाद एक नेता बाहर निकले हैं, सड़कों पे देश भर में घूम रहे हैं। तो जब यात्रा चालू हुई तब मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी कर रही है।
हर किस्म के लोग, देश के हर कोने के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक बेहतर हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका प्रभाव समाज में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राहुल जी ने मुझे यही कहा कि नफरत का दौर चल रहा है, नफरत के का बुनियाद डर है। इस तरह का नेता जो सबको इज्जत देते हैं वो भी दिखे। मेरी सब लोगों से ये अपील है कि जो जहां है यात्रा में शरीक हो सके ना हो सके, यात्रा का पैगाम, इंसान को इंसान से जोड़ने का पैगाम, मोहब्बत जोड़ती है, नफरत तोड़ती है। इस यात्रा का मकसद मोहब्बत की बात करना, लेकिन उम्मीद भी फिर से जागृत करना कि हम लोग मिलें और एक बेहतर देश बनाएं जहां सबका भविष्य सुनिश्चित होगा। राहुल जी ने मेरी बाइक को राइड किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आज आप बाइक जरूर चलाएंगे। द ओनली मोटो की मतलब चेंज लाना है कैसे भी करके, चेंज आएगा, द चेंज विल कम डेफिनेटली। रजत पाराशर एंड आई एम डूइंग सिविल इंजीनियरिंग। शायद ये मावल और मैं एक जर्नी कर रहे हैं राहुल जी के साथ में। मेरा जो डॉग था मैगी, जिसके मैं कैंसर के इलाज के लिए अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल किया था, उस चीज के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्टेट में एक अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए एनिमल्स का। हर लोगों के लिए बात करते हैं, फार्मर्स के लिए बात करते हैं, गरीबों के लिए बात करते हैं, उनका विजन बहुत मतलब एक नए जोश जैसा होता है ना, एक युवा का, यूथ का विजन है उनका। मतलब एक पार्टी की नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है, लोगों को मिलाने की है, प्यार की यात्रा है, तो आप जुड़ो, मिलो। मतलब हम लोगों को रात भर नींद नहीं आई थी क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अब नहीं मिल पाए तो शायद पूरी यात्रा में नहीं मिल पाएंगे। पूरा इंडिया जुड़े, कांग्रेस वापस आए। आज जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल होएगा। हम चाहते हैं कि हम पूरे भारत में आए। विल सी वन डे राहुल गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और हम मिले हैं आज। मतलब वो एक्सपीरियंस तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है, लेकिन बहुत अच्छा था। यात्रा ज्वाइन करिए, देश को बढ़ाइए, क्योंकि हमारे देश को हमारे नेता की जरूरत है। तो प्लीज जॉइन भारत जोड़ो। मेरा नाम प्रीति बात है। मैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कहीं पर भी बस्ती में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब उनको वहाँ से हटा के जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पानी की सुविधा है ना, बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना ही कोई सरकारी स्कूल जिसमें बच्चों का इलाज हो सके या पढ़ाई हो सके। बात करते हैं हमारे अधिकारों की, तो एक ना एक तरीके से हमारा अधिकारों का शोषण हो रहा है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक कॉमन इंसान की यात्रा है। इसमें हमें हमारी बात रखने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने जब राहुल दादा से बात करी तो उन्होंने बहुत अच्छे से सुना मेरी बात को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने मेरे से सारी चीजें भी पूछी। बस्ती में क्या चल रहा है वो भी पूछा, मेरी बस्ती का नाम भी पूछा, कौन सी बस्तियां हैं वो भी पूछा। एक पोलाइट इंसान है और भावनाओं को समझ रहे हैं वो कि सामने वाला उनसे क्या बोलना चाह रहा है। पहली बात तो मैं कहूंगी ये कॉमन इंसान की यात्रा है। ये सोचकर नहीं आए कि ये कांग्रेस की यात्रा है, आप ये सोच के आए कि ये मेरी यात्रा है। जब हमारे गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब से आए थे ना, यहाँ पेड़ के पास में उन्होंने घोड़ा बांधा था, यहाँ आराम किया था। ये महल का ऐतिहासिक स्थान है, तो इसलिए यहाँ पे गुरुद्वारा बना है। ये हम 2007 में शुरू किया था, धीरे धीरे काम चल रहा है इसका।
जहाँ भी गुरुद्वारा बनता है ना, उसमें कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तभी गुरुद्वारा बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये यात्रुओं के लिए बनाया है कि रास्ते में कोई भी यात्रु आए, कभी दो गाड़ियां भर के आ गया, 100 आदमी आ गया, 200 आ गया, तो उनका खाना पीना यहाँ पे पूरा चलता है फुल। ये चारों धर्मों के लिए, मतलब सब धर्मों के लिए खुला है। कर्म की प्रधानता की बात की गई इस धर्म में, फिर बांट के खाओ, फिर भजन करो, फिर करो, इससे बड़ा मानवता का क्या संदेश हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी सीख मिली द्वारा से। बाबा जी, हाँ जी, हम लोग तो अभी यात्रा में निकले, हम लोग भी पदयात्री ही हैं, और यात्रा के ही दरमियान ये पवित्र स्थान है, हाँ जी, हाँ जी, भारत को जोड़ने के लिए ये करने की ये पदयात्रा है। तो आपको क्या लगता है, आपकी नजर में राहुल गांधी जी मर के जो यात्रा कर रहे हैं ना, मर के अपने भारत को जोड़ रहे हैं, पे अपना एक हो जाए, इससे तो बहुत बढ़िया बदलाव आएगा, और पूरी संगत को, पूरी दुनिया को मालूम पड़ रहा है, और कहां से कन्याकुमारी से मर के श्रीनगर तक पैदल जाएंगे, और देखो कितनी संगत भी साथ में चल रही है, कितने पुण्य दान हो रहे हैं, किसके हाथ से पुण्य हो रहा है, किसके हाथ से दान देना, यहाँ मल के पूरी इंडिया में अपने पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। कोई भी संगत आए और हाथ फैलाए, बाबा का प्रसाद हमेशा मिलता है, चाहे वो कितना करोड़पति भी होगा ना, तो चाहे भिखारी होगा, उसके पास साथ में बैठ के खाना खाएगा। मधुकर चौधरी, जो केले की फसल है ये पूरे एक साल के ऊपर लगता है इसको पकने में, पानी और खाद बहुत ज्यादा लगता है, हमें बहुत रिस्क लेना पड़ती है इस फसल के लिए। पहले खाद 500-600 रुपए बोली पोटाश की मिलती थी, आज 2022 में मिलने को तैयार नहीं है, यूरिया के लिए लाइनें लगाना पड़ रही है, यहाँ का किसान मोहताज हो गया है, बहुत सी दिक्कत आने लगी है हमको केले में। ऐसे परिस्थिति में सरकार हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार किसान फसल बीमा जो योजना बोल रही है, लेकिन हमारे केले का कोई बीमा ही नहीं कर रही है, सब अधिकारियों की और बड़े बड़े व्यापारियों की मिलीभगत हो गई है, और किसान इधर परेशान होते जा रहा है। इस फसल में इतना हमको नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभी इसमें वायरस की बीमारी आती है इस पौधे में, और मुआवजा आज तक हमको कुछ भी नहीं मिला। आज तक सरकार ने समर्थन मूल्य MSP पे कोई फसल का ये नहीं दिया किसानों को। किसानों के पास जब भी कुछ माल आता है ना, तो बाहर एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, किसान के पास से जब माल चले जाता है तो बड़े बड़े उद्योगपति के पास जाने के बाद फिर रेट बढ़ाते हैं, जिससे किसानों को फसल का दाम ही नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों की तरफ ध्यान ही दे रही है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा जहाँ पर भी जा रहा है किसानों की बात उठा रहे हैं। इस देश के किसान दिन भर तपस्या करते हैं, मगर आज वो मर जाए, पिस जाए, 24 घंटा काम करे, उसे तपस्या का फल नहीं मिलता। किसानों को कोई सपोर्ट, उसको सही दाम नहीं मिलता, वो बीमा भरता है, जब आंधी आती है, तूफान आता है, उसको पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता, तो इसलिए हम राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। राहुल सर, उनके बारे में मुझको ये पसंद है कि वो सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। आज मैंने पिगी बैंक दिया था, मेरा जो यात्रा शुरू हुई थी तब से मैंने कलेक्ट किया था। और आपने सर को गिफ्ट देते हुए क्या बोला? सर, इट्स फॉर यू, अगर आपको यात्रा के दौरान अगर जरूरत लगे तो आप इसमें से ले लीजिएगा। विजय जी, यस सर, फॉर द यात्रा। अपने पैसे कैसे बचाए? मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करी थी। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ यात्रा के बारे में, भारत देश में जो मुसलमान हिंदू के बारे में लड़ाई होती है ना, उस बारे में जोड़ने के लिए यात्रा करी गई है। ये भारत जोड़ो, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं, सब एक समान है। Thank you.
किसानों की मतलब समस्या बहुत सारी है, जैसे फसल का भाव नहीं मिलना। किसान फल अभी खरीदने जाते हैं कृषि केंद्र में, अलग अलग दुगना तिगना भाव है और वहाँ पे प्लस GST है। कोटा से पहले 900 रुपए का मिलता था लगभग, अब 1700 हो गया। यूरिया मिल नहीं पा रहा है। करीबन प्याज का मिल जाता था 1000 से 1200 मिल जाता था, 450 से 500 भी नहीं बिक रही है। किसान को एक प्रॉब्लम नहीं है सर, कर्ज बाजारी, फैमिली संभालना पड़ता है, बच्चों को स्कूल में डालना पड़ता है। बड़ी स्कूलों में तो शिक्षा दे ही नहीं सकते हम। हम तो चाहते हैं बस जो खाद मिलता है वो मिलना प्राप्त हो जाए और फसल का भाव सही नियंत्रण से मिले। दबाना चाहती है सरकार किसानों को। ये सब चीजें किसान को सुसाइड करने को मजबूर करती है। ये मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है, इसलिए मैं ये भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ। अंकित कुमार मिश्रा है, मैं गांधी स्मारक निधि छतरपुर से हूँ और हम लोग मध्य प्रदेश में गांधी विचार श्रेणी जो रचनात्मक कार्यक्रम है वो काम कर रहे हैं। ये हमारे देश में जिस तरीके का माहौल है कि हम धर्म और जाति को लेके बहुत सारी बात और उस तरीके का वातावरण बनाने में लगे हैं, झगड़े और पहनावों को लेके बातचीत होने लगी है, उससे भी उठ के हमारे देश में और भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। जो भारत के विविध जाति और धर्म के लोग हैं उनके भाव को जोड़ने की जरूरत है, उनके मन को जोड़ने की जरूरत है, उनके विचार को जोड़ने की जरूरत है, उनकी संस्कृति को जोड़ने के लिए जरूरत है। हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तब हम इस देश को जोड़ सकते हैं और इस देश को अच्छा रख सकते हैं। राहुल जी ने आगे काम बढ़ाया है, उसकी अभी जरूरत थी और उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तम कदम बढ़ाया है। राहुल गांधी ने हमारे साथ कम से कम 15 से 20 मिनट बात और खुल के बात की, केवल एक विषय पर बात नहीं की बल्कि जो मध्य प्रदेश की समस्याएं हैं उन पर बात, विचार की बात, सारी बातों को बड़ी गंभीरता से मेरे जैसे एक छोटे से इंसान को न सुना। महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से
जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली।
चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली।
हाथ से जुड़ते हाथ हैं हम दिल की सुन कर निकले।
चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झाखो रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माने हम अमन के फूल खिलाएंगे महंगाई को छुपा के मानेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा Jordan!